तो मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने किचन में छेना पायस बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ हमने पैकेट वाला फूल मलाई का दूध आधा केजी ले लिए हैं। इसमें और थोड़ा सा हम दूध ऐड करेंगे अपना घर का, 750 ग्राम के करीब ये दूध है। अब दूध को हम अच्छे से खौला लेंगे, उसके बाद हम इसमें छेना के पानी डालेंगे। तो छेना के पानी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, तो दूध अच्छे से जब फट जाएगा तो हम इसे छानेंगे। तो देखिए, छेना के पानी डाल दिए हैं, अब इसे खौलने देंगे तो दूध एकदम फट करके बिल्कुल एकदम तैयार हो गया है। तो अब इसे हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए, यहाँ फट गया है अच्छे से एकदम दूध। तो अब इसे हम छानेंगे, एक बर्तन में हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ हमने अब इसका रासा तैयार करेंगे, चाशनी, चाशनी बोलते हैं उसे तैयार करेंगे। तो यहाँ भी हमने 250 ग्राम के करीब दूध ले लिए हैं। अब इसे इधर हम तब तक छेना को छान लेते हैं। तो एक कॉटन सा कपड़ा लेकर के उसी में हम छन्नी से छेना को छान लिए हैं। इसे हम ठंडा पानी डाल के इसे इसका जो खटापन होता है उसे हम निकाल लेंगे। और अब इसे हम छान के अच्छे से गार लेंगे, जितना पानी एक्स्ट्रा है उसे निकाल लेंगे। और इसे हम दूसरे बर्तन में प्लेट में पलट लेंगे। उसके बाद हम इसे हाथ से, जो हथेली होता है उससे हम इसको मैश करेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट। और इसमें देखिए, हमारा आधा किलो 750 ग्राम दूध में हम थोड़ा सा हाफ चम्मच सूजी डाले हैं, 1 चम्मच मैदा डाले हैं, और हम मीठा सोडा थोड़ा सा चुटकी भर के डाले हैं। अभी सबको डाल के हम अच्छे से इसे मैश कर लेंगे, मिला लेंगे सॉफ्ट होने तक। अच्छे से जब सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसे छोड़ देंगे। तो देखिए, यहाँ हम अच्छे से मिला लिए हैं। इधर हमारा चाशनी तब तक तैयार हो रहा है। तो देखिए, इधर हम मिला लिए हैं। अब इसका गोला हम थोड़ा छोटा छोटा गोला करके इसे हम बनाएंगे। इसका हम इतना छोटा छोटा गोला बना करके सबको तैयार कर लेंगे। आप चाहे इससे बड़ा भी बना सकते हैं, पर छेना पायस में इतना ही छोटा छोटा छेना रहता है। तो इधर हमारा दूध खोल गया है, तो इसमें हम इलायची पाउडर और चीनी को डालेंगे और इसे हम अच्छे से गाढ़ा होने तक खौलाएंगे। और इसके बाद हम इसे जो गोला बना करके छेना को रखे थे उसको हम इसमें डालेंगे और 3 से 4 मिनट हम इसे खौला लेंगे। पहले याद रखिए दोस्तों, पहले दूध को अच्छे से गाढ़ा होने दीजिएगा आप लोग, उसके बाद इस मिठाई को इसमें डाल के 3 से 4 मिनट तक खौलाइएगा। तो देखिए, हमारा छेना पायस बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो हमारे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। और आप लोग कैसे बनाते हो दोस्तों, आप लोग भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।